हिमाचल की हमीरपुर विधानसभा सीट से वीर बद्दर सिंह को हराने वाले कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर अंबाला में कहा कि जब नई नई सरकार बनी थी तो कम से कम 100 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन सरकार 100 दिन में स्थापित नहीं हो सकी। राणा ने कहा, सरकार में बैठे और लोग हैं, चला कोई और रहा है, लगाम किसी और के हाथ में, सरकार की दशा और दिशा ठीक नहीं है। राजेंद्र राणा ने कहा, सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने 3 महीने में 2000 करोड़ का कर्जा ले लिया। जब केंद्र में सरकार इनकी थी तो यह कर्जा माफ करवा सकते थे। हिमाचल के कांगड़ा में स्कूली बस के खाई में गिरने छात्रों की मौत पर राजेंद्र राणा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल में कई बार होती है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए और सबक भी लेना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। पहाड़ी राज्य होने के कारण ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन जहाँ ऐसी घटना हो जाए उससे शिक्षा लेते हुए कड़े कदम उठाने चाहिए। जो नई सरकार है उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जब सरकार बनी थी नई तो सरकार ने ये कहा, सरकार को चलाने वाले ने ये कहा कि कम से कम हमें 100 दिन का समय दीजिए और समय 100 दिन में आप बदलाव देखेंगे। मुझे लगता है कि 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तो सरकार जो है वो पूरी तरह स्थापित ही नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार चलाने वाले कुछ और लोग हैं, बैठे कोई और लोग हैं, लगाम किसी के पास है और इसलिए दशा मुझे नहीं लग रहा और दिशा सरकार की कोई ठीक है। और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि इन्होंने एक नारा दिया था कि केंद्र में सरकार हमारी है और हिमाचल की बारी है, तो लोगों को उम्मीद जागी थी कि हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी, केंद्र में भी इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने एक ही रोना रोया कि प्रदेश जो उसको कर्जे में डूबे दिया। और जब धर्मशाला में पहला सेशन हुआ तो हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, 46,000 कर्जा सरकार पर हुआ है, पिछली सरकारें रही उन्होंने भी कर्जा लेकर सरकार को चलाया, और जब कर्जा लिया जाता है तो कर्जा जो लिया जाता है वो कर्जा जो है प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, विकास के लिए लिया जाता है और इसलिए कोई भी सरकार आती है वो कर्जा लेती है। तो हमने सरकार से ये पूछा कि क्या जो नई सरकार है वो सरकार को बिना कर्जे लिए चलाएंगे, और इन्होंने अभी जो है 3 महीने के अंदर 2000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। हमें उम्मीद थी, प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि केंद्र में सरकार इनकी है और निश्चित तौर पर केंद्र से ये कोई बेल आउट पैकेज लेके आएंगे। मैंने तो उनको कहा था कि प्रदेश की तमाम जनता जो है आपकी पीठ थपथपाएगी कि आप 46,000 कर्जा जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार आपकी है, उससे कर्जा माफ करवा दीजिए, और अगर नहीं आप कर सकते हैं कोई बेल आउट पैकेज लेके आइए। इससे पहले भी कई सरकारें नहीं थी जिन्होंने बेल आउट पैकेज जो है वो प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ी राज्य है जो इसके रिसोर्सेज हैं वो कम है, और अगर आप बेल आउट पैकेज लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता जो है आपकी तारीफ करेगी। तो अभी 100 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक भी कोई सरकार नया काम कर पाई है, और जितनी उम्मीदें प्रदेश की जनता को थी उनको निराशा मिल रही है। जो बस हादसा हुआ, स्कूल की बस खाई, हाँ, हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, परंतु मुझे लगता है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकारों को निश्चित तौर पर जो है कड़े कानून बनाने चाहिए और ऐसी घटनाओं से सबक भी लेना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। पहाड़ी राज्य होने के नाते घटनाएं घट जाती हैं, परंतु सरकारों को चाहिए कि जहां कहीं भी कोई घटना घटती है उससे शिक्षा लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।